बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल पे। उड़िया तहसीन, उड़िया भाई, नाश्ता करना जल्दी, उठो, निकलना भी है। इबाद देखो, माशाल्लाह फ्रेश हो गया। अम्बर ने ना तहसीन के बेड पे कब्जा कर लिया, आज तहसीन नीचे सोया है। चलो जल्दी, और जहांगीर भी हमारे साथ सोया। चलो चलो नाश्ता करने चलो बेटा, देर हो रही। हम लोग तो आए थे नाश्ता करने, यहाँ तो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। बताऊंगी क्या नाम है। जोहा, जोहानुमान। और इनका लाइबानुमान। लाइबा, हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये रबिया हैं, इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, दिया क्राफ्ट के नाम से ना, डाई क्राफ्ट के नाम से। और देखिए, ये बस इनसे मिलना था, मैं इनसे मिलना था शायद नसीब में, तभी मैं दोबारा जो है पिंडी आई और इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो इन्होंने मुझे दिल से इतनी मतलब कह रही थी कि भाई मुझसे मिल लें आप, एक दफ़ा मिल लें। तो कहते ना, मोहब्बत का रिश्ता ऐसा होता है कि क्या पता इनकी मोहब्बत ही मुझे दोबारा यहाँ पे खींच के लाई। और ये अभी बारिश हो रही है बाहर, बारिश में ये छोटे छोटे बच्चों के साथ, यानी दो बेटे हैं इनके, दो बेटियाँ हैं और चार बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ये बेचारी आई और बारिश के अंदर। और बस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, बस ऐसा मोहब्बत का रिश्ता है, यूट्यूब से ज़रिए इनसे मेरा रिश्ता है। और ये इतनी खुलूस से, इतनी मोहब्बत से, इतना सब कुछ लेकर आई टोकरे भर के। तो मुझे इन चीज़ों की बात नहीं, बस इनकी मोहब्बत की बात है ये बस खुशी से, ये इतनी मतलब इनकी खुशी इनकी आँखों में नज़र आ रही थी। मैं बता नहीं सकती, ये थोड़ा हिजाब करती हैं इस वजह से सामने नहीं आ सकती, बस मैं ये थोड़ा आपको ये दिखा सकती हूँ। मेरे बराबर में बैठी हुई हैं, नकाब करती हैं, तो ये बैठी हुई हैं। और कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? तकरीबन आधा घंटा लग गया। अच्छा, तो देखें, अपने अभी सुबह जो है ना 10 बजे का टाइम है और ये आई, तो बहुत अच्छा लगा। तो यही मोहब्बत होती है, यही अपनाइत होती है, जो गैर भी अपने हो जाते हैं। और मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि जब मोहब्बत होती है ना दिलों में, तो गैर भी अपने हो जाते हैं, और अगर नहीं मोहब्बत होती तो अपने भी जो बहुत दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक ऐसे ही हमारा जो यूट्यूब का जो ऐसा रिश्ता है जो बना है, ऐसे अल्लाह पाक जोड़े रखे। और इनके इनके चैनल पे भी आप विज़िट करिएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत इन्जॉयमेंट मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नई बच्चियाँ जो कुछ सीखना चाहती हैं, अपने घर को सजाना चाहती हैं, अपने हाथ से चीज़ें बना के रखना चाहती हैं, तो वो देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इनका मैं तहे दिल से वैसे भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ, मगर मैं सबके सामने इनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि इतनी मोहब्बत खुलूस से आई। और इनके हस्बैंड का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो लेकर आए, अपना काम छोड़ के अपनी वाइफ को लेकर आए, बच्चों को लेकर आए। और वाकई ठंड बहुत है, जैसे मुझ जैसी होगी तो मैं बारिश भी हो रही है मुझ जैसी होगी तो मैं कहूँगी बच्चों को, मैं कहाँ, घबरा जाता है इंसान के छोटे बच्चों को कहाँ लेके आओ, अकेला होता है तो इंसान कहीं भी निकल जाता है। तो रबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी मोहब्बत देने का, इतनी इज्जत देने का। और अब तो मेरा दिल कर रहा है मैं पिंडी आ जाऊँ आपके पास, यहाँ ही घर ले लूँ। अच्छी बात है, कौन सी पिंडी के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब क्या कहेंगे इनको, खुलूस है, मोहब्बत है और अपनायत बहुत है। और सबसे बड़ी बात है कि इज्जत करते हैं, दूसरे को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। और यही होता है, जो इंसान जब दूसरे की रिस्पेक्ट करता है तो इसी से रिश्ता बनता है। और गुड़िया गुड़िया चली गई थी, गुड़िया के लिए भी ये लेकर आई हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें। गुड़िया चली गई वैन में, क्योंकि उनकी उनका ड्राइवर था जो आ गया था, और उनको भी जाना है थोड़ा सा राउंड लगा के, फिर जाएंगे स्टेशन, वहाँ पर इनकी ट्रेन है तकरीबन 3 बजे, तो ग्रीन लाइन से वो लोग जाएंगे। और अभी जो है मैं रबिया के पास बैठी हुई हैं, तो इनका रबिया को यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे पास बैठी हैं। आपकी आपकी ये इस बात से अंदाजा था, आप सब सच्ची मोहब्बत करती हैं, जो मैं खींची चली आई दोबारा, कभी ऐसा हुआ अपन आए पिंडी, कितनी दूर है लाहौर से, हम लोग तो वापस जा रहे थे उस दिन, कल इतना रोई है, कल मैंने बोला, मैंने इनसे कहा से कहा कि मैं जा रही हूँ, निकल गई हूँ मैं पिंडी से, तो ये ऐसा रोने लग गए, बिल्कुल जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, मगर बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी। मैं बोल रही रबी आप क्यों रो रही हो, तो बस ये इनकी हिचकियाँ बन गई रोते रोते, कह रही नहीं आंटी बस मेरा आप नसीब में नहीं है मेरा आपसे मिलना, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद आपसे नहीं मिल पाऊँगी।
तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो कह रहे चलो कोई बात नहीं, वो इतनी मोहब्बत से बुला रही है, चलो कह रहे चलो एक दिन और रुक जाते हैं। तो बस एक दिन हम और रुक गए रबिया की खातिर पिंडी में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे बड़ी टांट भी पड़ी, वो कहते हैं कि भाई इतने दूर से वो आई फिर वापस जा रही, फिर कितना मुश्किल होता है मैनेज करना ना, सही भाई बात है। सारा दोबारा से होटल में आना, सारा कहाँ पे रहना है, क्या करना है, सही। तो वो मुझे कहने लगे कि चलो हो गई थी, वो जा रही थी, आपने कह देना था। लेकिन आंटी आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, एक आपने जो है ना मेरे लिए रुक के और मिली हैं मुझसे, तो बस मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आँखों पे कि ऐसा हो गया। रबिया की ना तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इनके गुर्दों में भी कुछ इन्फेक्शन है। आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, इनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। आप हैदराबाद नहीं आए कभी? कभी भी नहीं, बस इस्लामाबाद से। अब मैं ना, आप मुझे एड्रेस भिजवाइएगा तो फिर मैं आपको मग और वो जो वॉच है ना, मैं वहाँ से भिजवाऊँगी। अभी मैं लेके आती, पिछले साल में आई थी ना, मैं रख के लेकर आई थी वॉच और मग लेकर आई थी, जो मेरी सब्सक्राइबर मिल रही थी ना, मैं उनको दे रही थी। अगली बार आना ना तो पहले आपने इस्लामाबाद में ना आपने बता देना, हम आपकी पार्टी करेंगे किसी होटल में ना, हम कहेंगे कि चलो जी को कहीं शबाना का हमने पकड़ लिया। सही, इतने में अभी मेरे पास स्टेज में बिठा। अच्छा, मुझे पता नहीं था पिंडी में मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। मेरे अभी मैंने कमेंट्स पढ़ रही थी रात को जब मैं आई ना वहाँ से, हम लोग आए थे घूम के, तो मैं फिर आके फिर मैंने मोबाइल चेक किया तो इतनी सारी कमेंट्स आई थी पिंडी की, आंटी वेलकम पिंडी, माय सिटी पिंडी वेलकम। तो मैंने इतनी ज़्यादा, मेरे ऐसा लग रहा सारे पिंडी की कमेंट्स भरी हुई थी, है ना, ऐसा लग रहा था। तो मैंने कहा इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं पिंडी में, मुझे पता ही नहीं था कि पिंडी के अंदर इतने ज़्यादा मेरे फैमिली यहाँ पर भी मेरी मौजूद है। वो मैं अपनी बहन को कहूँ ना कि वो काली पिक करिए, तो कहती है आप ही वो क्या एक तुम ही हो, उनके तो इतने सब्सक्राइबर हैं, वो किस किस की पिक करे, किस किस से बातें करे, क्या आपकी फैमिली नहीं है। दिल तो मेरा ऐसा करता है सबसे सबको टाइम दो, मगर वही बात है, मैं जाती है ना जिस तरफ जाती है ना वहाँ पे पहले वो कर दिया करती हूँ, मैं इधर आ रही हूँ, फिर सबका दिल होता है इंशाल्लाह। वो मुझे ना पता नहीं था ना यहाँ कौन सी जगह सही है, कौन सी ऐसा मतलब सही रहेगी जगह, तो अब इंशाल्लाह। बात बताऊँ, हम रहते हैं हमें नहीं पता। हाँ, तो हम बाहर नहीं निकलते ना इन बच्चों के साथ, वो बड़ी बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना सही, तो बहुत मुश्किल है। इनका क्या नाम है? ये उसामा। उसामा इधर तो आओ, ये बड़ा शरारती लग रहा है। वो भाग रहा भाई, ये बात से भी ज्यादा शरारती है वो, भाग गया। मौसम बहुत ही क्या कहेंगे, मौसम बहुत सुहाना है, सुहाना है, सुहाना मौसम। हाँ, और अभी हम बच्चों को लेकर आए हैं, गुड़िया भी हमारे साथ है, बच्चों को हम लेकर आए हैं यहाँ पे चिड़ियाघर। तो ये चिड़ियाघर जो है बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पर बच्चे जो है ज़्यादातर शेर को, मगरमच्छ और इनका फेवरेट हाथी होता है। और आज जो हम आए ना, हमारे बच्चे जब छोटे छोटे थे, यानी जितने बड़े ये झांगी से भी छोटा था मोहसिन और तहसीन, और झांगी जितनी थी गुड़िया जब हम लोग आए थे, तहसीन नहीं था, तो जब ऐसे ही मौसम था। और आज हम आए अपने बच्चों को लेके, तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पलट कर आ गया है और वही दिन आ गए, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे जो है छोटे हो गए, और उस वक्त की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है जिसमें गुड़िया बहुत छोटी थी, वो भी हम इंशाल्लाह आपको लोगों को दिखाएंगे। हाँ, और मेरे हस्बैंड को जो है ना वीडियो कैमरा था, बहुत शौक है इनको वीडियो बनाने का, तो जब भी इन्होंने यहाँ की पूरी वीडियो बनाई है इंशाल्लाह जरूर शेयर करूँगी, हमारे बच्चे यहाँ पे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। और अभी जो है मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह से, और उनके बच्चे जो हैं वो लग रहे हैं कि हमारे बच्चे छोटे हो गए, है ना, ऐसे लग रहा है ना, और वक्त पलट कर आ गया। तो अभी देखें, इंजॉय करिएगा आप हमारे साथ। और ये लोग जा रहे हैं आगे, मेरे कहा आगे जाओ, शेर की यहाँ पे आवाज़, जो शेर धाड़ रहा था उसकी आवाज़ सुन के बच्चे जो बहुत एक्साइटेड हो गए। <वी! laughs>
कितना बड़ा मुंह है इसका, शेर का। बारिश हो रही है मेरे मोबाइल में, कुछ शेर अच्छा नहीं कर रहा है। जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो काफ़ी सारी होटल्स खुली हुई थी, जो अंदर खाना वगैरह चल रहा था, मगर अभी कोरोना वायरस की वजह से अंदर जो है उन्होंने बंद कर दिए। बाहर बाहर लोग खा रहे हैं, बाहर एंजॉय कर रहे हैं। यानी हमें बताया जा रहा है कि आप जो है खुली एरिया में रहें ज़्यादातर, जैसे ताज़ा हवा लें और अपने घर की खिड़कियाँ दरवाज़े भी खुले रखें और बंद जगहों में नहीं बैठें। जैसे कोई ज़्यादा लोग हों तो बंद जगहों में, घुटन वाली जगहों पे नहीं बैठें, ज़्यादातर फ्रेश हवा लें और खुले माहौल में रहें। तो ये ज़्यादा जो है सेहत बख्श हवा आई है। उसको ये था कि मैं बना था वीडियो, होता ही ज्यादा फैमिली बच्चे सर पीट रहे अपने खो गए उधर वीडियो लेके उधर चला गया। और इनका सारा फोकस जो होता था वो वीडियो जो पे जो नजर आता था ना बस उसी पे होता था। जब कोई यूट्यूब पे कुछ नहीं था बस क्या बताऊं, तो गया लाहौर में खोए हमारे दो बच्चे गुड़िया और मोहसिन। जब ही तो कह रहे हैं ये अब गुड़िया को नहीं छोड़ रहा है कि नहीं गुड़िया के छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर ना बच्चे अल्लाह ना करे मिस ना हो जाए। रिवर्स करके तहसीन था जब भी वीडियो बना, वो कराची में गिरी थी अलादीन पार्क में। मैं इनसे लड़ाई, मैंने कहा तुम, मैं इनसे लड़ाई, मैंने कहा मुझे उठा नहीं रहे, मेरे चोट लगी थी कोनी पे। ये तो आया यूट्यूब, क्या बोला है यादगार वीडियो बनी तेरी। वो है वीडियो में है, तुम डालू भाई दो एक दो चली जा दो भाई, इसकी भी है छोटी सी है। अच्छा पहले ड्राइवर ना बाकी हमें पूरे रास्ते ही बोलता था आपके वहाँ बहुत चाहते हैं आप, अगर ऐसा होता नहीं है कि मरीज से वापस जाना फिर दोबारा लौट कर आना। तो उनको इतना ख्याल है, हम तो घर की तरफ लौट रहे थे मगर तुम लोगों की वजह से हम वापस जो है पिंडी गए। और मुझे बड़ा भारी लग रहा था सफर, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है अच्छा। हाँ मजा आया, साथ घूमने का मजा ही लग रहा है, फैमिली के साथ ही मजा आता है घूमने। ड्राइवर भी कह गया ये यादगार सफर बन रहा है सही, अलग तो हाँ अब नजर ही नहीं आ रहा है। टांगों में आते थे हम, पाकिस्तान में हम टांगों में आते थे, अब तो और गाड़ी चल रही है ना बिस्कुट बैठेंगे उस पे पार्टी चिपकी हुए तहसीन, चिपकी हुए भाई क्या हो गया इसको, चिपकी हुए खामोश हुआ। हैदराबाद याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है इसको, याद आ रहा है हैदराबाद बोलना। अभी चलो चलो वॉक कर रहा है, इसको अपनी सेहत का कितना ख्याल है, इंसानों से अच्छे जानवर है, वॉक तो करते हैं, खाना खा के, खाना खाया है ना, खाना खा के वॉक कर रहा है। गुस्से में है ये, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जरा सोचिए जानवरों की जगह आप पिंजरे में होते, हम पिंजरे में होते और ये हाथी रीछ बंदर शेर सब हमें देख रहे हैं। ओ ये कौओं से तो मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, ये बहुत मेरे क्या कहूँगी मेरे दोस्त हैं। जब मैं हैदराबाद में, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, नाश्ते में आती थी किचन के सामने कौए आके बैठ जाते थे और इनको मैं पराठा और अंडा देती थी। तो कौए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मासूम होते हैं बहुत। और अम्मी हमें कौए की कहानी भी सुनाती थी, बहुत मज़े की कहानी होती थी अम्मी जो सुनाती थी हमें, कौए मामू की कहानी। कौए मामू मेरा तो मामू ही नहीं है, ना मेरे ताया हैं, ना चाचा हैं, कोई भी नहीं है। देखो पॉपकॉर्न खाने ये भी आ गए। अच्छा ये है वो गेंडा जिसको हम प्यार में मजाक में भी अपने दोस्तों को बोलते थे ना, गेंडा गेंडा हो रहा है, तो ये होता है गेंडा। अब मत बोलना किसी को ऐसा गेंडा होता है। और ये इतना इतना भर के जो है ना चारा खाता है, खा रहा है इसका, इसका घास खा रहा है और इतना मोटा खतरनाक भद्दा होता है, उसके ऊपर कौए भी जो है शेर कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ उसके बाद हम कितना बोलते हैं मजाक में, अरे क्या गेंडे की तरह हो रहा है।
कौए पंगेबाजी ले रहे, उनको पता ही कुछ कहेगा नहीं। मैं तो बहुत बोलती सबको, क्या गेंडा हो रहा है। बड़ा खतरनाक किस्म का गेंडा है भाई। बात कह रहा है कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो। अरे बहुत खतरनाक है ये, खा जाता है ये, इंसानों को भी खा जाता है। कह रहा है मैं नहीं जा रहा, मैं मुझे यहाँ छोड़ दो। गेंडा बड़ा अच्छा लगा। पानी का घोड़ा, ये पानी के अंदर ही रहता है, अंदर चला जाता है। पानी का बिल्ला भी बोलते हैं हम, पानी का घोड़ा। ओ बड़ा इतनी ठंड के अंदर पानी में रहता है, अल्लाह ताला ने इसकी ऐसी स्किन बनाई है। अरे बात के दोस्त आ गए, तो ये बात कहाँ है? हाँ ये वो है। क्या हुए? बबून। ओलिव बबून है, बबून ओलिव। वो रहू तवे वाली नहीं, तवे वाली नहीं। जागीर खाओगे? मैं रशियन सैलेड नहीं खाता, आई एम अ डाइटिंग। मैं खाता हूँ, मैं मुझे दो पास ही हूँ। 4 मिनट्स की बात थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।